हेलो एवरीवन। तो देखिए, ये मेरा बच्चा आज फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहा है और मुझे बहुत ही बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि ये आज फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहा है और इस दिन का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। कई महीनों से मैं इस दिन का इंतज़ार कर रही थी कि कब स्कूल खुले और मेरा बच्चा जाए। तो ये पहली बार स्कूल जा रहा है और मेरी बेटी तो प्ले स्कूल में पढ़ी थी, 2 इयर्स तक पढ़ी थी। जब 3 इयर्स की हुई थी तो मैंने एडमिशन कराया था, तो 2 साल ही सिर्फ पढ़ी थी और उसके बाद से फिर लॉकडाउन होने लगा था और मेरा बच्चा मतलब कि एक दिन भी स्कूल नहीं गया था और घर में ही ट्यूशन कर करके मैंने इसे पढ़ाया था। और देखिए, आज स्कूल चला गया और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। पहली बार वो स्कूल जा रहे हैं और मुझे देख के बहुत ही खुशी हुई। और देखिए, यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने बाल बांधने के लिए और मैंने मॉर्निंग रूटीन ख़त्म कर लिए हैं। जो सुबह के काम होते हैं वो बच्चे और हस्बैंड जी के जाने के बाद, फिर मैं जो मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था सुबह ही उठ के, आज है तो 7:30 बज रहा था उस समय, तो वो लोग चले गए। और अभी देखिए, मैं अपने बाल झाड़ रही हूँ और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। और हाँ, मेरी बेटी का वो नहीं गई स्कूल, वो कल से स्कूल जाएगी। और उसका मतलब कि ओपन नहीं था, एग्ज़ाम चल रहा था, इस वजह से वो आज स्कूल नहीं गई, वो कल से जाएगी। और इधर मैं अपने बाल बांध लूँगी और फिर चलूँगी लंच बनाने के लिए। तो देखिए, ये मैं न्यू हेयर स्टाइल कर रही हूँ और कैसा लगेगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, मैं अभी रेडी हो गई हूँ सुबह के, अभी 10:30 बज गए हैं। तो अभी मैं नहा धोवा के और मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और मैं अभी रेडी हो गई हूँ। तो देखिए, मैं अब आ गई हूँ किचन में ये चिकन बनाने के लिए। तो ये 1 केजी चिकन है। और इधर देखिए, संयम भी आ गया था स्कूल से और इसका क्लास अभी 7:30 से 10:30 तक चल रहा है। तो ये आ गया था, हस्बैंड जी पहुँचा कर चले गए फिर से स्कूल और वही लाए थे चिकन। तो अब आज है फ्राइडे, तो आज अभी मैं बना रही हूँ चिकन। तो अभी दोपहर के 11 बज रहे होंगे, तो अभी मैं बना रही हूँ। तो देखिए, मैं तड़के के लिए पहले ये तेज पत्ता और लाल मिर्च ले रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, इसकी शरारतें, वो मैं पूछ रही थी क्या क्या पढ़ा स्कूल में,
तो ये बोले जा रहा था। तो देखिए और देखिए और मतलब जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो किचन में ही आकर बैठ जाता है और इसी तरह से पूछते रहता है। और देखिए यहाँ बैठ के, देखिए बोल रहा बैठूँगा और फिर मैं इसको बैठा देती हूँ यहाँ पे। और बोले कि नहीं रहो यहाँ पे, तेल उल पड़ जाएगा। तो देखिए मैं भी बोल रही थी कि तुम खाएगा, तो बोल रहा नहीं मम्मी ये अभी कच्चा है, बनेगा तब खाऊंगा। और बोला था कच्चा है, मुझे उल्टी हो जाएगी, ऐसे कर रहा था। देखिए कैसे कर रहा है, मुझे बहुत ही बोल रहा था और बहुत ही खुश था वो आज स्कूल गया तो बोल रहे। तो देखिए यहाँ पे मेरा प्याज हो गया है रेड ब्राउन, और अभी मैं इसमें ऐड करूँगी ये चिकन। देखिए ये चिकन ऐड कर दूँगी। तो चिकन की रेसिपी मैंने शेयर की है, तो वही स्टाइल में बना रही हूँ। और अभी फिर कभी जब नए तरीके से बनाऊंगी तो उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। तो अभी तो मैं सेम तरीके से बना रही हूँ, तो इस वजह से उतना मैं एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ कि क्या इसमें मैंने डाला है क्या नहीं। तो देखिए ये अभी चिकन मैंने डाल दिया है और इसको रेड ब्राउन होने तक मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी, इसका पानी जब तक सूख जाएगा तब तक। और इधर देखिए ये फिर से आ गया किचन में, मतलब जाता है उधर खेलने के लिए, बोलते हैं कि चल जाओ उधर तेल पड़ जाएगा या फिर कुछ भी हो सकता है, तो इस वजह से फिर आ जाता है। यहाँ पे देखिए मैं अच्छी तरह से भून ले रही हूँ और यहाँ पे मेरा भून गया है, और जो मैं मसाले डाले थे वो स्किप हो गया, वीडियो शायद शूट नहीं हो पाया था, मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी। और यहाँ पे जो मैंने मसाले डाले थे वो जो होते हैं, मैंने लहसुन अदरक काली मिर्च और जीरा और लाल मिर्च और हल्का सा जटमसी होता है वो मैंने लिया था। और इसमें अभी मैंने डाला है हल्दी पाउडर और ये नमक मैंने डाला है, और इसको मैं डाल के भून लूँगी अच्छी तरह से। देखिए जब तक इसका तेल नहीं छोड़ दे तब तक मैं उसको भूनूंगी। तो आज हम उतने में उधर कल मेरा वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, उसके लिए सॉरी। और मुझे थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, इस वजह से मैंने कल वीडियो भी नहीं शूट किया था और अपलोड भी नहीं किया। आज ठीक लग रहा है, बेटर लग रहा है, तो आज मैं शूट कर रही हूँ और ये वीडियो आज ही अपलोड करूँगी। तो देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से भुन गया है, आप लोग देख सकते हैं इसका तेल कितना सारा छोड़ दिया है। देखिए ये, और देख सकते हैं आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से ये भुन गया है। और अब मैं इसमें हल्का सा और भूनूंगी, और जो चिकन मसाले होते हैं वो मैं ऐड करूंगी, उसके बाद फिर मैं पानी ऐड करूंगी। तो देखिए मैंने चिकन मसाला ऐड कर लिया है, और फिर आज क्या हो रहा है मेरे साथ, वीडियो मतलब कि ऑन करना ही भूल जा रही हूँ और स्किप हो गया वो। और तो देखिए मैं भून लूँगी, तो तबीयत खराब होने से थोड़ा होता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है इधर उधर, इस वजह से मैं उतना नहीं कर पा रही थी। तो देखिए अभी भून लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं पानी ऐड कर दूँगी। और कैसा लगा आप लोग का ये वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ मैं मतलब कि बहुत सारे ऐसे थी जो मेरे वीडियो देखते हैं और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पर देखते हैं, तो प्लीज़ सर मैम आप जो भी हैं अंकल आंटी, अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा आपके सब्सक्राइब करने से, और थोड़ा मोटिवेशनल भी हो जाऊंगी, थोड़ा मुझे अच्छा भी लगेगा कि नहीं मैं मेहनत कर रही हूँ तो मुझे मेहनत का फल मिल रहा है। इस वजह से मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग को दूंगी। तो देखिए मेरा चिकन बन के हो गया है रेडी, और ये अब मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।